एक्सप्रेसवे, जाम सादिक फ्लाईओवर इंटरचेंज और उसके साथ येलो लाइन ब्रिज की। सामने जाम सादिक का फ्लाईओवर है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफी पिलर जो है वो तैयार हो चुके हैं। और ये वाला स्पेस देखे तो यहाँ पर ये पिलर्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। क्या वो आगे की तरफ जो है तमाम शटरिंग वगैरह जो है वो लग रही है अगर आप देखें तो। और जाम सादिक फ्लाईओवर के साथ ही एक और जो पुल बन रहा है वो येलो लाइन के लिए बनाया जाएगा। मलिर एक्सप्रेसवे का जो फेस वन वाला ट्रैक है वो इंशाल्लाह ताला अस्सलामुअलैकुम जी। इस वक्त मैं केपीटी इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप तमाम दोस्तों के साथ मलिर एक्सप्रेसवे, जाम सादिक फ्लाईओवर इंटरचेंज और उसके साथ येलो लाइन ब्रिज की इस वक्त क्या सूरत हाल है। कैमाबाद से कैमाबाद को कनेक्ट करने वाला ये इंटरचेंज जो मलिर एक्सप्रेसवे का है, यहाँ पर कितना काम हो चुका है और जब आप केपीटी इंटरचेंज से उतरेंगे तो आप यहाँ से किस तरीके से मलिर एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट हो पाएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये मैं मलिर एक्सप्रेसवे के लिए सामने सर्विस रोड से कनेक्ट होऊंगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से देखें, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ सर्विस रोड से सीधा जाम सादिक फ्लाईओवर के नीचे जो इस वक्त पुल तामीर किया जा रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सामने जाम सादिक का फ्लाईओवर है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी पिलर जो है वो तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें तो बोर पाइलिंग की मशीनें भी मौजूद हैं, ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। ये स्पेस की साइड पर भी देखें, यहाँ पर पिलर बनाने के लिए बोर पाइलिंग का काम यहाँ पर हो चुका है माशाल्लाह, और उसके साथ उस कोने पर भी हो चुका है। तकरीबन चार सेट जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और मज़ीद काम को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आगे की तरफ भी पिलर्स पर काम चल रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ये मलिर एक्सप्रेसवे वाला पिलर तैयार हो चुका है और ये वाले जो पिलर है ये सारे येलो लाइन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखें ये ब्लॉक लगा कर ही रास्ता बनाया गया है। यहाँ से तमाम डंपर मशीनें आती हैं और जाती हैं, ठीक है। और ये वाला स्पेस देखें तो यहाँ पर ये पिलर्स जो है वो तैयार हो रहे हैं और इसके साथ कुछ पिलर्स जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, जबकि आगे की तरफ भी काफ़ी काम जो है वो माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुका है। येलो लाइन के लिए ये एक सेपरेट ब्रिज बनाया जा रहा है
जिस पर तकरीबन 18 महीने का टास्क दिया गया है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस ब्रिज को मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ मशीनें मौजूद हैं बोर पाइलिंग की, ये देखिए यहाँ पर ये पिलर जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है इस जगह पर भी। क्रेन मशीनें लगी हुई हैं क्योंकि मज़ीद इसके ऊपर शटरिंग लगाई जा रही है और शटरिंग लगाकर ये पूरा स्पेस जो है वो ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है, वो आगे की तरफ जो है तमाम शटरिंग वगैरह जो है वो लग रही है अगर आप देखें तो। और इंटरचेंज के लिए जो ब्रिज तैयार किया जा रहा है उसके लिए भी कुछ पिलर्स जो है वो यहाँ पर भराव के काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। मलिर एक्सप्रेसवे के साथ जाम सादिक और कोरंगी क्रॉसिंग, ये तीन चार सर रोड्स हैं जिसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखें कि ये जो सामने है ये जाम सादिक का फ्लाईओवर है, ठीक है, इसके ऊपर से मलिर एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज कोरंगी क्रॉसिंग के लिए लिंक करेगा, करीमाबाद के लिए करेगा, यहाँ से कोरंगी के लिए करेगा, जबकि कॉजवे के लिए भी आप इसी ट्रैक के ज़रिए ही सफ़र करेंगे। मेन इंटरेस्ट जो होगा वो केपीटी इंटरचेंज के साथ करीमाबाद से मलिर एक्सप्रेसवे का इंटरेस्ट होगा और फेस वन का कायदाबाद पे इख्तिताम होगा। कायदाबाद से लेकर मेमन गोट से होते हुए काठोर तक इसका आखिरी पॉइंट होगा और काठोर पर एक इंटरचेंज जो है वो बनाया जाएगा। और जाम सादिक फ्लाईओवर के साथ ही एक और जो पुल बन रहा है वो येलो लाइन के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि येलो लाइन पर भी काम को शुरू कर दिया गया है। कोरंगी की साइड पर जगह जगह पर तमाम टेस्टिंग के काम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि येलो लाइन नुमाइश चौरंगी से लेकर दावत चौरंगी तक का सफ़र जो है वो आप लोग कर पाएंगे। काफ़ी सारी सर्विसेज सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई हैं, जबकि अगर मैं ग्रीन लाइन की बात करूं तो वो वफाकी की गवर्नमेंट के ज़रिए चलाया जा रहा है और इन फ्यूचर जो है ऑरेंज लाइन के साथ भी ग्रीन लाइन को कनेक्ट करने के लिए तमाम काम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द तकरीबन 2 साल के अंदर आपको रिज़ल्ट जो है वो सामने नज़र आएगा। तकरीबन 2 साल आपको देने होंगे और 2 साल के बाद इंशाल्लाह ताला इन तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहाल होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और ये भी बताऊं कि मलिर एक्सप्रेसवे का जो फेस वन वाला ट्रैक है वो इंशाल्लाह ताला खुशखबरी सुनाने वाले हैं गवर्नमेंट की जानिब से। इंशाल्लाह ताला जनवरी के 1 तारीख को हो सकता है कि फेस वन का इफ्तिताह कर दिया जाए।